नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए ट्यूटोरियल में। अपने आज के ट्यूटोरियल में दोस्तों, हम ये जो सामने अपने आप स्क्रीन पर कंपोनेंट देख रहे हैं, कंपोनेंट की एक असेंबली है, ये नकल जॉइंट असेंबली आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, इसे हम बनाएंगे। इसके अलग अलग पार्ट्स, जैसा कि आप ये वाला पार्ट देख रहे हैं, ये फॉर्क एंड है, ये आई एंड है, और इसमें एक नकल पिन लगा है। नकल पिन के अलावा यहाँ पर देखिए ये कॉलर है, और इसके बाद ये लॉक पिन है। ये पाँच कॉम्पोनेंट्स जो हैं हम इसमें बनाएंगे, और उन्हें बनाने के बाद हम असेंबल करेंगे। तो दोस्तों, आप मेरे साथ इसे बनाना शुरू कर सकते हैं। तो पहले तो मैं ये फाइल क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने से पहले मैं इन प्लेन्स को ऑन कर देता हूँ। देखिए, ये आपको अच्छे से दिख सके इसलिए मैंने इसके सारे प्लेन्स वगैरह और ये स्पिन सेंटर जो इसमें डिफॉल्ट कंडीशन में नज़र आते हैं वो मैंने ऑफ कर दिए थे। तो यहाँ से पहले तो मैंने इस फाइल को यहाँ क्लोज किया। क्लोज करने के बाद जब हम क्रियो पैरामेट्रिक 5.0 पर उसके आइकन पर डबल क्लिक करते हैं, तो इस तरह स्क्रीन हमारे सामने शुरुआत में आता है। अब इसके बाद यहाँ से मैंने न्यू पर क्लिक किया। न्यू के बाद जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये विंडो खुल के आती है। यहाँ पर अलग अलग मॉड्यूल्स आपको नजर आ रहे हैं इसके। इसके बाद हमने ये पार्ट पर देखिए, चेक मार्क है ऑलरेडी। हमने यहाँ पर यूज डिफॉल्ट टेम्पलेट पर से चेक मार्क हटाया और ओके पर क्लिक किया। इसके बाद दोस्तों, यहाँ से हमने लिया MMNS पार्ट सॉलिड, देखिए इस पर क्लिक किया और इसके बाद ओके पर क्लिक किया, तो ये स्क्रीन हमारे सामने ओपन होकर आती है। यहाँ से दोस्तों, अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो पहले हम बनाएंगे आई एंड। आई एंड के लिए देखिए, मैंने एक्सट्रूड पर क्लिक किया। एक्सट्रूड के बाद प्लेसमेंट, प्लेसमेंट के बाद डिफाइन, डिफाइन के बाद ये फ्रंट प्लेन पर क्लिक किया। यहाँ से स्केच पर क्लिक किया और ये ओरिएंटेशन, स्केच व्यू ओरिएंटेशन किया। अब यहाँ से हमें इसे बनाना शुरू करना है। तो पहले तो हम यहाँ पर दो सर्कल बनाएंगे। देखिए, सर्कल कमांड मैंने ली सेंटर एंड पॉइंट। यहाँ पर कहीं पर भी सेंटर मार्क किया और एक क्लिक ऊपर जाके किया, फिर एक बार सेंटर पर क्लिक किया और फिर एक क्लिक ऐसे कर दिया। इस तरह से दो सर्कल बन गए। अब हम एस्केप की दबा रहे हैं। देखिए, एस्केप की दबाने पर इसकी डायमेंशन हमें दिखाई देने लगती है। तो पहले तो हम इसे अपने हिसाब से इसके डायमीटर को चेंज कर लें। डायमेंशन पर डबल क्लिक किया और यहाँ पर छोटे वाले सर्कल को कर दिया हमने 25 और बड़े वाले को कर दिया 50। इस तरह से देखिए ये आपको नजर आने लगा। अब ये जो डिस्टेंस आ रहा है इसे हम कर देते हैं 40। देखिए, नजदीक आ गया इस प्लेन के, जहाँ पर ये दोनों प्लेन इंटरसेक्ट हो रहे हैं वहाँ पर इस तरह से ये दिखाई देने लगा। अब यहाँ से हम देखिए रेक्टेंगल कमांड, कॉर्नर रेक्टेंगल पर क्लिक किया। अब यहाँ पर देखिए, ये सर्कल के पेरिफेरी पर कहीं पर भी जाकर मैंने क्लिक किया और नीचे लेकर आ रहा हूँ। देखिए, इसे टच कर रहा है और इस तरीके से मैंने ये रेक्टेंगल बनाया, एक क्लिक ऊपर और एक क्लिक यहाँ पर, और एस्केप दबाकर कमांड से बाहर निकल आता हूँ। इस डायमेंशन को हमने कितना करना है, 30, और यहाँ से इसे हम कर देंगे 70, और बीच के हिस्से को हमें ट्रिम करना है। तो यहाँ से डिलीट सेगमेंट और ये ड्रैग कराते हुए कर्सर को इस तरह से हमने ये हिस्सा रिमूव कर दिया। यहाँ से मैं ओके पर क्लिक कर रहा हूँ। अब यहाँ से ये मिड प्लेन वाला जो ऑप्शन है, बोथ साइड यहाँ पर जो है, जो थिकनेस की हम वैल्यू देंगे दोनों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। इसे हमने करना है कितना, एक्सट्रूड, इसे 30 तक हमने एक्सट्रूड कर लिया। देखिए, और इसके बाद यहाँ से डैशबोर्ड पर ये ओके नजर आ रहा है। अब यहाँ से देखिए, ये राउंड कमांड है, यहाँ पर वैल्यू दे दी हमने कितनी, 25। इस एज पर क्लिक किया और उसके बाद इस एज पर भी क्लिक किया। दोनों एजेस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से ये ओके आपको नजर आ रहा है इस तरह से। अब आगे का काम इसमें देखते हैं क्या है। एक्सट्रूड पर दोबारा क्लिक करता हूँ मैं। इस बार इस वाली सरफेस को सेलेक्ट किया मैंने प्लेन के तौर पर, यहाँ पर क्लिक किया। देखिए, ये यहाँ पर प्लेन आपको दिखाई देने लगा, स्केच ओरिएंटेशन अब इस तरह से ये दिखाई दे। रेफरेंसेस पर क्लिक किया, ये जो एज नज़र आ रही है इस पर क्लिक किया। देखिए, रेफरेंस एक्टिव हो गया। इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक किया, देखिए यहाँ से हमें ये डैश लाइन हमें रेफरेंस वाली जाती हुई नज़र आती है। एक तरह की कंस्ट्रक्शन लाइन हो गई है। अब जो है यहाँ से देखिए, लाइन ये पॉइंट मिला, एक पॉइंट इधर, ऐसे हमें ट्राइंगल बना। एस्केप की दबाया दो बार,
कमांड से बाहर निकले। देखिए ये 11 यहाँ से 9 और डायमेंशन पर यहाँ क्लिक किया, इस लाइन पर क्लिक किया और स्क्रॉल बटन को कर्सर थोड़ा सा साइड में ले जाकर स्क्रॉल बटन को एक पुश किया। देखिए ये आपको इसकी डायमेंशन दिखाई देने लगी। यहाँ टाइप किया 9 और एंटर दबा दिया। ये साइज चाहिए हमें इस ट्राइंगल का। अब दोस्तों ये चारों कोनों पर हमें ट्राइंगल चाहिए, तो इसके लिए सेंटर लाइन पर क्लिक किया, एक क्लिक इधर और एक क्लिक फिर यहाँ। देखिए हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन बन गई। अब इसी तरीके से एक सेंटर लाइन हमें वर्टिकल भी बनानी होगी। अब यहाँ पे हमें रेफरेंस नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, रेफरेंस पर क्लिक किया, ये बीच वाले प्लेन पर क्लिक कर दिया। देखिए बीच वाली रेफरेंस लाइन भी हमें मिलने लगी थी यहाँ से सेंटर लाइन। अब देखिए ये एक क्लिक ऊपर और एक क्लिक यहाँ पे नीचे, तो ये वर्टिकल सेंटर लाइन भी बन गई। अब इनकी इन दोनों सेंटर लाइन्स की मदद से हम देखिए कैसे मिरर का यूज करते हैं। मैंने विंडो बनाकर इस ऑब्जेक्ट को क्लिक सेलेक्ट किया, यहाँ से मुझे मिरर कमांड दिखती है, ये मिरर पर मैंने क्लिक किया और ये वर्टिकल सेंटर लाइन पर क्लिक कर दिया, तो देखिए ये ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मिरर हो गया। अब इन दोनों को मैंने विंडो बना के सेलेक्ट किया, फिर से मिरर पर क्लिक किया और ये हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन पर क्लिक किया, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट्स नीचे की तरफ भी आपको दिखाई देने लगे, ये मिरर हो गए। अब यहाँ से हमने ओके पर क्लिक किया, इस तरह से ये नजर आ रहा है। अब इसको ड्रैग करके पीछे की तरफ ले जाएंगे क्योंकि हमें मटेरियल रिमूव करना है। कहाँ तक रिमूव करना है, यहाँ से ओके पर क्लिक किया। अब इसके बाद आगे का काम क्या है, एक्सट्रूड पर फिर गए, इस बार हमने इस सरफेस पर क्लिक किया, नॉर्मल टू स्केच कहिए या फिर स्केच ओरिएंटेशन कहिए या स्केच भी कहिए, एक ही बात है यहाँ पर। अब यहाँ से हमने फिर से रेफरेंसेस लिए, इस बार मैंने ये प्लेन और ये प्लेन इन दोनों का रेफरेंस लिया क्योंकि मुझे सेंटर चाहिए। अब ये दोनों प्लेन जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो हमारे लिए सेंटर होगा। ये देखिए ये क्लिक यहाँ किया और एक क्लिक बाहर जाके किया, तो एक सर्कल बन गया। अब इस सर्कल का जो डायमीटर है वो देखना है हमें, वो होगा 25 और इसे एक्सट्रूड करेंगे हम 60। देखिए ये 60 की लेंथ होगी, पर 60 वैल्यू दे दी और इसे ओके कर दिया। अब इसके बाद जो है मैं कुछ कॉर्नर्स जो है वो राउंड करते हैं, राउंड पर क्लिक किया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ से मैंने वैल्यू रखी 6। अब इस एज पर क्लिक किया, देखिए और यहाँ इस एज पर क्लिक किया, फिर इसे घुमाकर इस एज पर क्लिक किया और फिर यहाँ आकर इस एज पर क्लिक किया, इसके बाद यहाँ से ओके पर क्लिक कर, तो ये कंपोनेंट आपका तैयार हो गया। ये है हमारा आई एंड। अब क्या करना है हमें आगे, इसका कलर चेंज करते हैं। यहाँ से व्यू पर गए, व्यू पर अपीयरेंसेस आपको देखिए नजर आ रहा है। यहाँ पर मैंने सर्च किया ब्रास, ब्रास टाइप करके एंटर किया, देखिए ये रहा ब्रश का अपीयरेंस, इस पर क्लिक किया, देखिए यहाँ सेलेक्ट हो गया, ये ब्रश बनकर आ गया। देखिए अब मैं कंट्रोल की प्रेस किया हुआ है मैंने और सारी सरफेसेस को करके मैं अंदर बाहर सब तरफ की सेलेक्ट कर रहा हूँ। जब भी आप सरफेस सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल की को प्रेस किए रहेंगे मल्टीपल सिलेक्शन के लिए, अगर कंट्रोल की नहीं प्रेस किए करेंगे तो पिछला वाला सिलेक्शन जो है वो ऑमिट हो जाएगा, वो सेलेक्ट नहीं होगा। से हमने पूरे ऑब्जेक्ट पर क्लिक करके सेलेक्ट कर लिया, अब यहाँ से ओके पर क्लिक किया। देखिए ये इस ऑब्जेक्ट की अपीयरेंस, इसका कलर चेंज किया। अब दोस्तों इसके बाद हम इसे सेव कर लेते हैं, यहाँ से फाइल सेव एज, सेव अ कॉपी, यहाँ से मैंने डेस्कटॉप पर इसे एक न्यू फोल्डर बनाया मैंने G1 के नाम से, ओके। यहाँ पर मैंने इसका नाम रखा आई एंड। देखिए यहाँ बीच में अंडरस्कोर लगा दिया मैंने, इसके बगैर ये सेव नहीं होगा। मैंने यहाँ से ओके पर क्लिक किया, इसे आई एंड 1 कर देते हैं, ओके। आई एंड 1 के नाम से ही कंपोनेंट सेव होगी।
अब यहाँ से मैंने इसे क्लोज किया। अब हम फॉर एंड बनाएंगे, फिर से एक बार न्यू पर क्लिक किया, यूज डिफॉल्ट टेम्पलेट को अनचेक किया, ओके पर क्लिक किया और यहाँ से MMNS पार्ट सॉलिड को देख लिया। इसके बाद देखिए एक्सट्रूड, एक्सट्रूड के बाद प्लेसमेंट डिफाइन, फिर से मैंने ये फ्रंट प्लेन ले लिया, स्केच पर क्लिक किया, स्केच व्यू ओरिएंटेशन, देखिए घूम कर सामने आ गया हमारे। यहाँ से अब मैंने देखिए क्या करना है कि एक सेंटर रेक्टेंगल लिया, सेंटर पर क्लिक किया और एक क्लिक यहाँ देखिए ऊपर जाके कर दिया और एस्केप दबाया तो इसकी डायमेंशन नजर आ रही है। अब देखिए इसकी डायमेंशन मुझे चेंज करनी है 125 और इसे करना है कितना 60। इस तरह का देखिए आपको रेक्टेंगल में नजर। इसके बाद हम दो सर्कल बनाएंगे, देखिए एक तो हमने यहाँ पर बनाया अंदाजे से ही और उसके बाद एक दूसरा सर्कल बना लेते हैं। इसके बाद ही ये टच करेंगे। अब दोस्तों करना क्या है कि डायमेंशन पर गए, इस सेंटर और इस सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है ये होना चाहिए 4 और इस सेंटर, ये बड़े वाले सर्कल का सेंटर और इस लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है ये होना चाहिए 75। अब देखिए अपनी जगह पर आ गए। अब हम क्या करते हैं इन दोनों, ये बीच वाला जो सर्कल है इसका डायमीटर हम चेक कर लेते हैं, इसका डायमीटर होना चाहिए 30, इसलिए बड़ा हो गया। अब इसके बाद देखिए यहां से हमने कॉर्नर रेक्टेंगल लिया, ये लाइन पर क्लिक किया और देखिए टच करा दिया इससे, एक क्लिक इधर और एक क्लिक यहाँ। इसके बाद ये है कितना 30, ओके। इसके बाद यहाँ से देखिए ये लाइन ली, ये इस सर्कल के क्वाड्रेंट से ये लाइन यहाँ तक टच करा दी, एस्केप दबाया, फिर यहाँ से यहाँ तक टच करा दी। दो बार एस्केप दबाते हैं तो हम कमांड से बाहर निकलते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ से ट्रिमिंग शुरू करेंगे हम, देखिए यहाँ से ये पार्ट, ये हिस्सा थोड़ा जूम करेंगे तो ये भी नजर आएगा आपको। देखिए ट्रिमिंग करते वक्त बहुत ध्यान देना है, जरा सा भी हिस्सा अगर डिलीट होने से रह जाता है तो वो कमांड एग्जीक्यूट नहीं होगी। जैसे कि देखिए यहाँ पर ये छोटे छोटे हिस्सा में डिलीट हो रहा है, तो ये देखिए ये रह गया। इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान बहुत रखना है इसमें। अब यहाँ से इसे रिमूव कर दिया, रिमूव हो गया और कंट्रोल सेट करता हूँ, फिर वापस आ रहा हूँ। इसे रिमूव करना है हमें, रिमूव सेट में जाके ये लाइन रही है रिमूव होगी, ये गलती से हो गई थी पिछली बार। इसके बाद ये हटेगा, ये हटेगा और से ये लाइनें हटेगी। इसके बाद हम यहाँ से ओके पर क्लिक कर देंगे। देखिए ये कुछ एंटिटीज हैं, नो पर क्लिक किया ये रह गई, डिलीट सेगमेंट ये रह गया था। इसके बाद ये एंटिटी रह गई डिलीट होने के लिए, तो यहाँ से मैसेज आ जाता है। अब यहाँ से ओके पर क्लिक किया, सेक्शन इज इनकम्प्लीट फॉर द रीजंस लिस्टेड इन मैसेज एरिया एग्जिट स्केच, यहाँ पर नो पर क्लिक किया। हम फिर से चेक करेंगे कि कहाँ दिक्कत आ रही है, इस हिस्से को मैं डिलीट कर रहा हूं, फिर से ये नहीं जोड़ रहा है, तो नो पर क्लिक किया। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं कि कहां दिक्कत आ रही है। इसके कॉर्नर्स जो है वो कई बार हम परेशान करते हैं, जिनकी वजह से जो है ये काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब इसके बाद देखते हैं कि कोई लाइन कहीं ओवरलैप तो नहीं हुई, यहाँ चेक कर लेते हैं। मैंने देखिए इस लाइन को सेलेक्ट करके डिलीट किया, देखिए यही वाली लाइन जो थी वो ओवरलैप्ड थी, हमने जब यहाँ से रेक्टेंगल बनाया था तो एक के ऊपर दूसरी लाइन बन गई थी। अब यहाँ से हम ओके करेंगे, देखिए इस तरह से ये एक्सट्रूड हो जाएगा।
अब देखिए इसे करना क्या है हमें, इसकी जो थिकनेस रहेगी, यहाँ से मैट प्लेन ले लिया, इसकी थिकनेस जो रहेगी वो रहेगी 50 और यहाँ से मैं ओके पर क्लिक कर दिया। इस तरह से ये जो है फॉर्क टाइप की एक शेप आपके सामने। अब हमें इसमें थोड़ा सा कटिंग और करनी है, मटीरियल रिमूव करना है। कैसे करना है, एक्सट्रूड पर क्लिक किया, इस वाले फेस पर क्लिक कर दिया, स्केच ओरिएंटेशन पर क्लिक किया, फिर इसके बाद रेफरेंसेस पर क्लिक किया ये, और ये हो गया क्लोज, और इसके बाद सर्कल बीच वाला जो प्लेन है यहाँ पर भी क्लिक करते हैं, देखिए रेफरेंस एक्टिव हो गया। सर्कल पर क्लिक किया और यहाँ पर एक सर्कल बनाया, इसका डायमीटर है 50 और इसका जो यहाँ से ये डिस्टेंस है, यहाँ से ये एज का जो डिस्टेंस है, पुश किया स्क्रॉल को दोनों को सेलेक्ट करने के बाद ये है, जैसे ये बिल्कुल एंड पर आके इसके बन गया। अब देखिए क्या करना है हमें, हमने ये लाइन यहाँ से मिली, नीचे आए और ये इसे जोड़। अब ये हमें करना है कितना, 10, और इसके बाद इस वाले पॉइंट से ये पॉइंट तक हमने जोड़ दिया। जोड़ने के बाद डिलीट सेगमेंट, हिस्से को, ये पूरे सर्किल को रिमूव कर दिया, कुछ ऐसा बन गया। अब ओके पर क्लिक किया, अब ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और मटेरियल को यहाँ से ये रिमूव का ऑप्शन ऑन कर दिया। अब देखिए यहाँ से ओके पर क्लिक किया, ये शेप आपकी दिखाई दे रही है ऐसी। अब इसी शेप को ये जो कट हमने किया एक्सट्रूड 2, इसे दूसरी तरफ हम मिरर कर लेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक्सट्रूड 2 को मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से मिरर पर क्लिक किया और ये है रेफरेंस प्लेन, इस पर क्लिक किया, यहाँ से ओके पर। देखिए नीचे भी इसी तरीके की शेप कट के आपको नजर आने लगी। अब अगला काम क्या है कि मैंने यहाँ से एक्सट्रूड पर क्लिक किया, फिर से इस सरफेस पर क्लिक किया और स्केच ओरिएंटेशन पर क्लिक किया, और इसके बाद यहाँ से ये रेफरेंसेस को मैंने ऑन कर दिया। जब ऑन किया तो देखिए ये एक कंस्ट्रक्शन लाइन जो है सर्कल की, इस तरीके से डैश लाइन में सर्कल नजर आ रहा है। यहाँ से फिर सर्कल पर गए और ये जोड़ दिया सर्कल। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए क्वाड्रेंट है, यहाँ से ये सेलेक्ट किया और यहाँ ला के जोड़ दिया। अब एस्केप की दबा के बाहर निकला और डिलीट सेगमेंट यानी कि ट्रिम कर दिया इस पूरे हिस्से को, यानी कि ये पूरे हिस्से को ट्रिम करना है। यहाँ से ओके पर क्लिक किया और ये पीछे की तरफ इसको मटेरियल रिमूव करते हुए ले गए तो ये गोलाई आ गई यहाँ पर। यहाँ से ओके पर क्लिक किया, मटेरियल रिमूवल का ऑप्शन इसमें ऑन होना चाहिए। देखिए मैं यहाँ से राइट क्लिक किया और एडिट डेफिनेशन पर जा रहा हूँ, ये अगर ऑन नहीं होगा तो ऐसे नजर आएगा। इस ऑप्शन को ऑन रखना है तो मटेरियल रिमूव होता आपको नजर आएगा। यहाँ से ओके पर क्लिक किया, अब इसी फीचर को मुझे ये एक्सट्रूड 3 को जो है मिरर करना है नीचे की तरफ, तो मैंने एक्सट्रूड 3 पर क्लिक किया, यहाँ से ये मिरर एक्टिव हो गया, मिरर पर क्लिक किया और ये वाला जो ये जो प्लेन है इस पर क्लिक किया, देखिए दूसरी तरफ भी आपको नजर आने लगा। ओके पर क्लिक कर दिया तो ये ऐसी शेप फॉर्क जैसी आपको दिखाई देने लगी। अब इसके बाद क्या करना है दोस्तों, को फिर से एक्सट्रूड पर क्लिक किया और ये सरफेस मिली हमें, इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से स्केच ओरिएंटेशन रेफरेंस पर गए और ये आउटर एज है जो, इस पर क्लिक किया, देखिए सर्कल फिर आपको दिखाई दे रहा है एक, यहाँ से सर्कल पर गए, ये सेंटर नजर आया, सेंटर पर क्लिक किया और एक क्लिक बाहर किया, ऐसे एस्केप दबाकर कमांड से बाहर निकले और यहाँ से डायमीटर है इसका 25 और ओके पर क्लिक कर दिया यहाँ से, और इसे आर पार लेकर जाएंगे। देखिए मटेरियल रिमूवल ऑन है यहाँ पर और ओके पर क्लिक किया तो ये ऐसे इसमें होल बन के नजर आने लगे। अब हम आगे क्या करेंगे, एक्सट्रूड पर क्लिक किया मैंने, इस वाली सरफेस पर क्लिक किया, यहाँ से स्केच ओरिएंटेशन है जो, इस पर क्लिक किया, अब यहाँ से ये रेफरेंसेस हैं, इस एज पर क्लिक किया, इस एज पर क्लिक किया, ऐसे ही मुझे क्लिक करना है और ये दोनों जो प्लेन्स हैं उन पर भी क्लिक, ये सारी एजेस जो है वो नजर आने लगी। अब यहाँ से लाइन कमांड पर क्लिक किया, देखिए ये पॉइंट आपको मिला, यहाँ क्लिक किया, एक क्लिक इधर और ऐसे ही हमें ये ट्राइंगल बनाना है।
एस्केप की दबाया, दो बार कमांड से बाहर निकले तो देखिए डायमेंशन हमें नजर आ जाएगी। अब यहाँ पर क्लिक किया हमने दोस्तों, ये हो जाएगा 8.5 और फिर से यहाँ डायमेंशन पर क्लिक किया मैंने, ये क्लिक यहाँ किया और स्क्रॉल की पुश किया बाहर जाकर 8.5, ये भी आ गया। ओके पर क्लिक किया यहाँ से, ओके पर करने से पहले एक बार फिर प्लेसमेंट एडिट यहाँ पर आ जाते हैं इसे वापस, इसे हमें चारों कोनों पर बनाना है तो सेंटर लाइन पर क्लिक किया, एक बनाएंगे हम यहाँ से हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन, एस्केप की दबाया। अब यहाँ से फिर रेफरेंस पर गए, ये वर्टिकल सेंटर लाइन बनाने के लिए स्प्लेन का जो रेफरेंस है उसे एक्टिव किया, इसके बाद सेंटर लाइन एक क्लिक यहाँ और एक क्लिक से सेंटर लाइन पर नीचे। अब इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, यहाँ से मिरर पर क्लिक किया, इस वर्टिकल सेंटर लाइन पर क्लिक किया, फिर विंडो बना के दोनों ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट किया, फिर मिरर पर क्लिक किया और इस बार हॉरिजॉन्टल लाइन को सिलेक्ट कर लिया, हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन को यहाँ से ओके किया। ओके करने के बाद देखिए जैसे आई एंड में ये हमें मटेरियल रिमूव करना था, एक हेक्सागोनल शेप बनानी थी वो क्रिएट की है हमने, यहाँ पर हम जो इसका वो देंगे डिस्टेंस वो देंगे 30। ओके आई एंड में भी इतना ही दिया और इसके बाद हम एक एक्सट्रूड पर क्लिक किया मैंने और ये सरफेस पर क्लिक किया, स्केच ओरिएंटेशन रेफरेंस एक ये और एक। अब इन दोनों का जहाँ पर क्रॉस सेक्शन हो रहा है या दोनों को जो ये इंटरसेक्ट हो रहा है जहाँ पर सर्कल, ये है सर्कल का सेंटर, सर्कल के बाहर एक क्लिक किया एक सेंटर पर था और ये डायमेंशन नजर आ रही है तो इसको सेलेक्ट करके हम कर देंगे कितना 25 और ओके, और ये इसकी लेंथ रहेगी कितनी 75 और इसके बाद दोस्तों हमें थोड़ा सा यहाँ पर रेडियस बनानी है इस वाले कोने पर, तो यहाँ से राउंड पर गए और एक क्लिक कर दिया 2.6, देखिए थोड़ा और बढ़ा के कितना बढ़ सकता है 2.7 2.8 3 3.2 3.5 4 4.5 5, देखिए 5 तक ये रेडियस यहाँ पर जा रही, थोड़ा और बढ़ा लेते हैं इसको 5.5 6 6 में गायब हो जा रहा है 5.9 लिखा, देखिए 5.9 हमने वैल्यू ले ली और उसमें हमें 6 मिल गई थी, इसमें नहीं मिल रही। ओके और कर दिया, आपका ये फॉर्क एंड भी या अब इसको भी हम व्यू में जाकर इसकी अपीयरेंस इसमें ले लेते हैं CO या कॉपर, ये रहा कॉपर का अपीयरेंस, इस पर क्लिक किया। अब देखिए कंट्रोल की प्रेस किया हुआ है और मैं एक एक करके इसके अंदर बाहर की सारी सर्फेसेस को सेलेक्ट कर रहा हूँ। देखिए ये सारी सर्फेसिस की सेलेक्ट हो गई, यहाँ से अब ओके पर क्लिक कर दिया तो देखिए ये देखने में आपको काफ़ी रियलिस्टिक सा लग रहा है। और यहाँ से हमने इसे सेव है, सेव अ कॉपी, यहाँ पर फॉर्क अंडरस्कोर एंड और 1, इसके बाद ओके पर क्लिक कर दिया, ये भी आपका कंपोनेंट सेव हो गया। अब दोस्तों इसमें बाकी बचे हुए जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं वो भी बनाते हैं, न्यू पर क्लिक किया, अगेन यूज डिफॉल्ट टेम्पलेट ओके, MMNS पार्ट सॉलिड ओके। अब अगला कंपोनेंट है हमारे सामने, इसमें
कॉलम पिन लगता है तो वो हम बनाएंगे रिवॉल्व से। रिवॉल्व पर गए, प्लेसमेंट, डिफाइन, पार्ट, स्केच, स्केच ओरिएंटेशन। अब देखिए यहाँ से ठीक है, इस तरह से ये कंपोनेंट की अलग अलग डायमेंशन है। सबसे पहले हम सबसे छोटी डायमेंशन को एडिट करते हैं, तो सबसे छोटी डायमेंशन है ये वाली, ये है 6। ओके, इसके बाद सबसे छोटी कौन सी रहेगी, वो रहेगी डायमेंशन पर गए यहाँ से, इस पर क्लिक किया और स्क्रॉल की को पुश कर दिया, ये हो जाएगी कितनी 12.5, ये हो गया। इसके बाद हमें लेनी है ये डायमेंशन, इस लाइन पर क्लिक किया, स्क्रॉल को बाहर पुश किया, ये यहाँ से इक्वल लेंथ को सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया, ये हो जाएगा आपका कितना 17.5। और इसके बाद स्केप दबाया, देखिए इसको ट्रैक करा के ऊपर लेकर गए, ये टोटल होने वाला है आपका 78.5 और ये हो जाएगा 78.5 डिवाइडेड बाई 2, देखिए बिल्कुल बीच में। अब इसे हम ये इधर हमने क्लोज कर दिया, ओके ये क्लोज हो गया, इसकी चेक कर लेता हूँ, 77.5 जो है वो सेलेक्ट करके राइट क्लिक किया, डिलीट किया, यहाँ से डायमेंशन और यहाँ उनके बीच का जो डिस्टेंस है ये 78.5 है। ओके, अब सही, अब इसे एक सेंटर लाइन बनाई हमने, ये हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन, और यहाँ से ओके पर क्लिक कर दिया, ये एक कॉलर पिन बन गई। इसके बाद से ओके किया, करने के बाद व्यू अपीयरेंस या हम ले लेते हैं सी, इसकी लिए अलग अलग अपीयरेंस ले लिया। अपीयरेंस है आपकी स्टील की, यहाँ से हम फाइल सेव एज, सेव अकाउंट में, ये है नकल अंडरस्कोर 1, ओके ये फिर से अब यहाँ पर क्लोज Solid, okay. इसके बाद का जो कंपोनेंट है वो आ रहा है, इसका प्लेसमेंट, डिफाइन, फ्रंट, स्केच और सर्कल पर क्लिक किया, लीव सर्कल के लिए सेंटर पर क्लिक और एक बार एक डायमीटर और भी है, दो सर्कल बनाए, दोनों के डायमीटर सेट करने हैं, एक है 35 और एक है 25, बड़ा वाला 35, छोटा वाला 25, और ऊपर पर क्लिक किया, इसे एक्सपोर्ट करना है, कितना मीटर में ले लिया यहाँ से, चेक कर लेते हैं, 10 ही ले लेते हैं इसको, 20 काफी बड़ा दिखाई देता है, ये ऐसे ही रखिए। अब देखिए क्या करना है, मैंने फिर से एक्सट्रूड क्लिक किया,
प्लेन है, इस प्लेन पर क्लिक किया और ओके, इसको यहाँ बिल्कुल बीच में एक होल बनाएंगे हम, कितने का ये डायमीटर रहेगा 6 और ओके, यहाँ से इसे आर पार से इस तरह से ये आपके सामने इस सर्कल देखने में, ये जो अभी हमने इसे हम थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं, प्लेसमेंट एडिट और ये शायद जगह 3 होगा, देखने में काफी बड़ा लग रहा था बोर्ड, उसमें ओके कर दिया हमने। इस तरह से ये हो गया कॉलर। तो कॉलर के लिए व्यू अपीयरेंस यहाँ हमने ले लिया ब्रॉन्ज, यहाँ से ओके पर क्लिक किया और ये सेव एज, सेव अकाउंट की डेस्कटॉप पर कॉलर और वन से सेव कर दिया, ये कॉलर वन से क्लोज, ये ऊपर दोबारा क्लिक किया। अब आखिरी कंपोनेंट इसमें रह गया जो है पिन MMNS पार्ट सॉलिड, अब इसका पिन जो है वो ले लिया, कैसे टॉप ले लिया, स्केच स्केच ओरिएंटेशन सर्कल से शेप दबा के बाहर निकले, फिर डायमीटर होगा इसका कितना 6 3 और ये जो है कितना लॉक पिन बन जाएगा। इसको हम कलर नहीं चेंज करते, इसको ऑर्डर से दिखाने के लिए सेव सेव कर सेव कॉपी लॉक अंडरस्कोर पिन सॉरी फॉर। अब दोस्तों यहां से हम क्लोज कर रहे हैं इसे, अब हम असेंबली खोलते हैं, असेंबली ओपन करते हैं, देखिए कैसे न्यू पर क्लिक किया, असेंबली पर क्लिक किया, यूज डिफॉल्ट टेम्पलेट को अनचेक किया, ओके पर क्लिक किया, यहाँ पर MMNS ASM डिजाइन को सेलेक्ट किया, ओके पर क्लिक किया। अब इस तरह से आपके सामने ये स्क्रीन आता है और ये कमांड्स नजर आती है। असेंबल पर देखिए क्लिक किया, पहला वाला जो कॉम्पोनेंट है IND इसे हम कॉल कर लेते हैं, या फॉर्क एंड ले आते हैं, फॉर्क एंड ले आते हैं, ओपन। देखिए ये फॉर्क एंड आपको दिखाई दे रहा है, पहला जो है वो डिफॉल्ट है, हमेशा पहला बेस कंपोनेंट जो है डिफॉल्ट दे दिया हमने, और यहाँ से देखिए ये फुली कंस्ट्रेन आ गया और ओके कर दिया, ओके। ये कंपोनेंट आपको इस तरह से लगा हुआ इसमें दिखाई दे रहा है। अब हम लेकर आते हैं दूसरा कंपोनेंट जो कि हाई एंड, ओपन, इस तरह से नजर आ रहा है। अब हमने क्या किया कि ये वाला रिंग सिलेक्ट किया, इसको थोड़ा सा घुमा दिया, घुमाने के बाद ये सरफेस और इस सरफेस को हमें मिला मिला दिया, और उसके बाद इस सरफेस पर क्लिक किया और इस सरफेस पर क्लिक किया, देखिए ये दोनों फुली कंस्ट्रेंट हो गए ऑब्जेक्ट्स, ओके। यहाँ से मैंने ओके पर क्लिक किया, ये ऑब्जेक्ट्स दोनों फुली कंस्ट्रेंट हो। अब हमें लॉक करना है, तो लॉक करने के लिए मैंने फिर से असेंबल पर क्लिक किया, यहाँ से जो है वो कॉलर पर क्लिक किया, कॉलर से पहले मैं नकल पिन को ले लिया, नकल पिन पर क्लिक किया, ओपन। अभी नकल पिन में हमें एक और काम करना बाकी है,
देख लेते हैं। देखिए यहाँ से इस नकल पिन को हम कैसे लेकर जाएंगे, मैंने इसके एक्सेस पर क्लिक किया और इसके एक्सेस पर क्लिक किया और ये जो है नॉर्मल है, इसे हमने कर दिया कोइंसिडेंट, ये ऐसे आकर बैठ गया। अब यहाँ से इस सरफेस पर क्लिक किया और इस सरफेस पर क्लिक किया, ये फिक्स हो। और यहाँ पर मैंने पॉली कंस्ट्रेंट जैसे ही मैसेज आया, ओके पर क्लिक कर, ये ऐसे बैठ गया इसमें। अब हमें यहाँ पर एक होल करना, हम भूल गए थे, एक होल कर देते हैं। कितना होल करेंगे? डाया 3 का, जैसा हमने लॉक पिन बनाया वो यहाँ पे लॉकिंग के लिए इसे इंसर्ट करना है। तो पहले क्या करेंगे, यहाँ पर कॉलर लगा लेते हैं इसके ऊपर, उसके बाद उसे बना लेंगे असेंबल। कॉलर के लिए ये देखिए कॉलर उठाया, ओपन, और ये एक्सेस, और इसका जो एक्सेस है ये इस तरह से ये अंदर चला गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे ले पाएंगे ये, और ये नॉर्मल है तो इसे कॉन्सिडेंट कर देंगे, तो ये अपने इस ओरिएंटेशन में हमें चाहिए उसमें दिखाई देने लगेगा। अभी देखिए ये पार्शियली कंसील है, हम इस सरफेस और उसके बाद इस सरफेस पर क्लिक करते हैं, तो देखिए दोनों बीच में डिस्टेंस आ रहा है, इसे भी हम कॉन्सिडेंट कर देंगे, तो ये जाकर देखिए ऐसे फिक्स हो जाएगा। ओके, यहाँ से हमने ये ओके, तो ये देखिए ये ऑब्जेक्ट इस तरह से आपको नजर आ रहा है। अब हमें क्या करना है कि एक लॉक पिन हमें यहाँ लगानी थी, देखिए इसके अंदर हमें एक होल बनाना है पहले, तो वो होल दोस्तों इस नकल पिन पर जो है, जैसे हम मान लीजिए इसको भूल जाते हैं, तो फिर इस अंदर से बनाना, नकल पिन को यहाँ से सेलेक्ट किया, यहाँ से ओपन किया, देखिए नकल पिन आपको सामने फिर ओपन होकर आ गया। इसे मैक्सिमाइज कर लेता हूँ और यहाँ पर एक हमें होल बनाना, कैसे एक्सपोर्ट पर क्लिक किया, ये देखिए एक्सप्लेन को इसको सेलेक्ट किया इस पर, और यहाँ से स्केच ओरिएंटेशन पर क्लिक किया, फिर सर्कल पर क्लिक किया, यहाँ पर देखिए सर्कल बनाया और इसका डायमीटर है 3, और डायमेंशन पर क्लिक करने के बाद ये सेंटर, और इस एज पर क्लिक किया और यहाँ पे इसे पुश कर दिया स्क्रॉल बटन को, यहाँ पे वैल्यू दे दी 65 और यहाँ से ओके पर क्लिक किया। अब देखिए मटेरियल रिमूव होना है दोनों तरफ, यहाँ से मैंने ये मटेरियल ले लिया और ये मटेरियल रिमूव हो गया, इस तरह से ये होल बनकर आपको आर पार देखिए नजर आ रहा। अब यहाँ से हमने तो फाइल को क्लोज कर दिया, अब ये देखिए हमको होल इसमें भी नजर आएगा। ओके, तो अब हमने क्या किया कि हमें इसमें असेंबल पे क्लिक किया, अब यहाँ पर हम लेकर आते हैं क्या, ये लॉक पिन ओपन, और ये आ गया हमारा लॉक पिन, इसे हम मतलब ड्रैग करा के यहाँ से इस तरह और ऊपर, फिर ये इसको ये रिंग को सेलेक्ट किया और ऐसे घुमा दिया। अब दोस्तों करना क्या है कि ये सरफेस, सॉरी ये बीच वाला जो प्लेन है ये, और इधर बिल्कुल बीच वाला प्लेन कॉलर का, एक बार फिर से हम इसे लेकर आते हैं इनको सैंपल, यहाँ से लॉक पिन ओपन, और
ऐसे इसको पीछे का क्लिक कर दें, यहाँ से हम इसे घुमा दिया। घुमाने के बाद पहले तो हमने इस कॉलर के ये वाले प्लेन को सेलेक्ट किया, उसके बाद इस वाले प्लेन को सेलेक्ट किया। अब देखिए ये बिल्कुल बीच में आके बैठ गया। अब हमने इस होल के एक्सिस को सेलेक्ट किया और इसके एक्सिस को सेलेक्ट किया, दोनों बीच में डिस्टेंस नजर आ रहा, इसे हमने वन साइड कर दिया। अब देखिए ये जो है पिन इसके अंदर बराबर देखिए नजर आ रहा है, पॉली कंस्ट्रेंट का मैसेज भी आ जाता है। ओके, तो ये असेंबली दोस्तों यहाँ पर कंप्लीट होती है। यहाँ से मैंने इनके प्लेन्स वगैरह को सबको और ये स्पेन सेंटर को मैं क्लोज कर देता हूँ, जिससे आप और अच्छे से ये एक ही कंपोनेंट कैसे लगाए नजर आने लगे। और इसके अलावा ये देखिए यहाँ से मैंने एक्सप्लोडेड व्यू पर क्लिक किया, देखिए सारे कंपोनेंट बाहर निकल गए कैसे ये। अब देखिए फिर से एक्सप्लोडेड व्यू पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये फिर से जुड़कर आपको नजर आ रहे हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक बटन पर क्लिक करना ना भूलें, और मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर भी क्लिक करना ना भूलें। और जिन्होंने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किए वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में डालें। थैंक यू वेरी मच।